अगर हम इस बात को देखें कि एक साल पहले, सवा साल पहले जब इस वायरस की शुरुआत हुई थी और उस वक्त हिमाचल प्रदेश में अगर हम अपने यहां की बात कहें तो वायरस का संक्रमण बहुत धीरे धीरे था। लेकिन उसके बावजूद तो लोगों के बीच में एक दहशत का माहौल, एक चिंता का एक माहौल उस वक्त जो है वो आज की तुलना में ज्यादा देखा जाता था। अभी आज के दौर में अगर हम इस बात को कहें कि किस वायरस में और एक साल पहले के वायरस में इसका समाज पे क्या किस प्रकार का एक इम्पैक्ट रहा, तो मैं ये कह सकता हूं कि बहुत ऐसी परिस्थिति के दौर में से समाज भी गुजर रहा है जहां सब जगह अनिश्चितता का एक दौर है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मजबूती के साथ हमारा समाज इस संकट का सामना करने के लिए भी खड़ा है। इससे पहले मैं अगर और बात कहूं, मैं आप सबके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि संकट के क्षण में बहुत बड़ा सहयोग उनका मिला, बहुत सब्र, बहुत संयम के साथ उनने सहयोग दिया है सरकार को। क्योंकि लंबा अरसा हो गया इस वायरस के इस दौर का, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है लोगों का इसमें बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन, जिसको मैं कह सकता हूं एक सहयोग जो है वो सरकार को हर कदम पर मिला है। मित्रों, जहां तक पिछले साल की वायरस की अगर हम बात करें, जब शुरू हुआ था उस वक्त संक्रमण की गति बहुत धीमी थी और अब की बार इस संक्रमण की गति जो है वो बहुत तेज है, बहुत तेजी से संक्रमण फैला है। हमारी धारणाएं बहुत सारी चीजों को लेकर के गलत साबित हुई। पिछली बार जब ये संक्रमण शुरू हुआ था, लगा था कि गर्मी का मौसम आएगा, मार्च के बाद अप्रैल के बाद तो संक्रमण कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये भी बात देखने की बात आई है कि इस वायरस ने अलग अलग रीजन में अलग अलग समय में पीक लिया है। पिछले साल नवंबर और दिसंबर का महीना हिमाचल प्रदेश में कैसी परिस्थिति का एक दौर रहा, जब इस वायरस ने पीक लिया और बहुत बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए, बहुत बड़ी संख्या में लोगों की दुखद मृत्यु भी हुई। लेकिन उसके बाद फिर एक स्थिति ऐसी भी आ गई थी कि अब की बार फरवरी के महीने में हमारे सामने जो है वो मामले बहुत कम रह गए थे, लगभग 218 मामले कुल रह गए थे, 219 मामले रह गए थे एक्टिव केस, और बहुत सारे जिले तो कोविड फ्री डिस्ट्रिक्ट हो गए थे हमारे, और उसमें हमारा हमीरपुर भी उसमें एक शामिल था। लेकिन एक उसके बाद एक स्थिति हमारे सामने फिर से आई और जिसके कारण ये स्थिति आई कि उसमें वायरस फिर फैला, तेजी से फैला, और आज हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 8,700 के लगभग जो है हमारे एक्टिव केस हो गए। मैं इस बात का जिक्र कल भी कर रहा था कि लगभग 2000 एक्टिव केस को पार होने में पिछले साल जो है तीन महीने का वक्त लगा, और अभी तो इस बार तो ये सिचुएशन है कि जो इसका संक्रमण जिस गति से चल रहा है इस वायरस का, वो स्थिति हमारे सामने है कि लगभग 20 दिन में है 2000 का आंकड़ा पार करके। इसलिए स्वाभाविक रूप से ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, संक्रमण तेजी से फैलना, संक्रमण तेजी के साथ फैलने के साथ साथ में बहुत सारे लोगों की जिसमें दुखद मृत्यु हुई। हम इस बात को देख रहे थे लगभग हमारा फरवरी के महीने में हमारे 950 से कम हमारी मृत्यु थी हमारे हिमाचल प्रदेश में,
लेकिन आज अगर हम इस बात को देखें कि हमारे हिमाचल प्रदेश में कोविड डेथ जो है वो लगभग जो है वो 1177 डबल 1 डबल 7 तक वो आंकड़ा पहुंच गया,